हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान महिमा में। दोस्तों आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण यात्रा पे निकल रहे हैं, आपको भी दर्शन कराएंगे प्रभु श्री राम के अयोध्या की। दोस्तों हम रास्ता यात्रा तो तय कर चुके हैं अयोध्या की, लेकिन हम आपको ले जाएंगे प्रयागराज से होकर। तो प्रयागराज में इस समय माघ मेला लगा हुआ है, तो वहाँ से लेते हुए हम आपको अयोध्या के सारे दर्शन कराएंगे। दोस्तों हमारी भी अयोध्या की पहली यात्रा है, तो आप लोग की तरह मैं भी बहुत ही एक्साइटेड हूँ। तो चलिए देखते हैं हमें क्या क्या देखने को मिलता है और कैसी लगती है हमारी प्यारी अयोध्या। हम चले अयोध्या, शाम के टाइम है, सुबह में मिलेगी ट्रेन। पहले चलेंगे प्रयागराज। तो हम घर से निकल चुके हैं अयोध्या धाम के लिए। किस समय हो रहा है? घर से टाइम कितना हो रहा है ब्रो? टाइम 6:22 हो रहा है शाम के। यहाँ से हम जाएंगे प्रयागराज, प्रयागराज में रुकेंगे, वहाँ माघ मेला थोड़ा घूमेंगे, उसके बाद वहाँ से प्रस्थान करेंगे, ट्रेन लेंगे यहाँ से सुबह की, गोपीगंज जाएंगे। सुबह पहुँच जाएंगे अयोध्या। गोपीगंज से डेमो ट्रेन है, वहाँ से हम लोग प्रयागराज जाएंगे, फिर संगम में घूमेंगे, फिर उसके बाद 3:30-4 के आसपास अयोध्या के लिए प्रस्थान। जय जय श्री राम। तो दोस्तों हम लोग पहुँच गए हैं प्रयागराज और यहाँ की माघ मेला में दर्शन करने, जूसी में प्रवेश करने वाले हैं। हम लोग की मॉर्निंग की ट्रेन है अयोध्या की, तो हम लोग रात को यहीं एंजॉय करने वाले हैं, माघ मेला देखने वाले हैं, और फिर उसके बाद अभी हम झूसी जाएंगे, फिर झूसी के बाद संगम जाएंगे। हाँ। फिर संगम से फिर स्टेशन पे जाएंगे, फिर वहाँ से हम ट्रेन, हमारा ट्रेन होगा। हाँ। फिर वहाँ से ट्रेन लेने के बाद फिर हम अयोध्या। नज़ारा काफ़ी खूबसूरत है यहाँ का, हम लोग एंट्री लेने वाले हैं, यहाँ घूमेंगे 1-2 घंटे तक, उसके बाद फिर चले जाएंगे स्टेशन, वहाँ से मॉर्निंग की ट्रेन पकड़ेंगे अयोध्या के लिए। इस यात्रा के दौरान हम पहुंचते हैं प्रयागराज के माघ मेले में अपने दोस्तों के साथ। माघ मेले को अच्छी तरह से हम घूमते हैं, एंजॉय करते हैं, और वहां से फिर हम जाएंगे स्टेशन की तरफ जहां हमारी सुबह की ट्रेन है अयोध्या के लिए। हमारी ट्रेन प्रयागराज संगम स्टेशन से है जो कि सुबह में जाती है। हम यात्रा के दौरान प्रयागराज में उस जगह पर पहुँचते हैं जहाँ पे माघ मेले के लिए झूले लगे हुए हैं। वहाँ का नज़ारा हम आपको दिखाएंगे। उससे पहले हम आपको बता दें कि ये माघ मेला हर साल लगता है और यहाँ पे हर 6 साल में कुंभ और हर 12 साल में महाकुंभ लगता है। सुबह सुबह हम लोग, इतना जोर की ठंडी लग रही है, एक गिलास चाय ले लिए और चाय से अपना ठंडी दूर भगाने का कोशिश कर रहे हैं। ट्रेन अभी स्टार्ट नहीं हुई है, लेकिन जल्दी स्टार्ट होने वाली है क्योंकि टाइमिंग होने वाला है, और हम अयोध्या स्टेशन के नज़दीक जल्दी पहुंचने वाले हैं। सुबह का मौसम है, ठंड बहुत ज़्यादा है, टिकट हमारा कन्फर्म है लेकिन ट्रेन अभी स्टार्ट नहीं है, ऐसा है जल्दी स्टार्ट होगी। चलकर हम अपने अपने डब्बे में अपने अपने सीट के पास जाकर बैठने वाले हैं। तो प्रयागराज संगम से ये ट्रेन जाने वाली है बस्ती तक, जो कि अयोध्या होती हुई जाएगी। हम अपने हमारा गंतव्य स्थान अयोध्या है जहाँ हम उतर जाएंगे। अपना डिब्बा ये है, इसी में चढ़ना है। आओ एक बार सीट देख लेते हैं अपना, कौन सा था, 80 से था ना, तो इधर नहीं होगा शायद, नंबरिंग देख लो, इधर से ही होगा। लाइट ऑन करो, अभी तो ट्रेन का कुछ सिस्टम ही नहीं है ऑन है। यही है, सभी सो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम भी कोई सीट लेकर एक सो जाते हैं, ठीक है। ट्रेन ऑन होगी, तो हमारी ट्रेन चल रही है अपने स्थान से, अब हम जल्दी अयोध्या पहुंच जाएंगे।
ज़्यादा दूर नहीं रहा अयोध्या। यात्रा में थोड़ी मस्ती हुई, थोड़ा मजाक हुआ, पर यात्रा काफ़ी अच्छी रही। ले ले बैगिया माँ, ले ले। हम अयोध्या स्टेशन पहुँच चुके हैं, यहाँ पे ही उतरेंगे और यहाँ से फिर आगे दर्शन करेंगे। पहुँच गया अयोध्या स्टेशन। अभी दूसरी साइड की प्लेटफॉर्म शायद बनी नहीं हुई है, तो हम उतर के यहाँ पे आपको प्लेटफॉर्म भी दिखाने की कोशिश करेंगे। जय जय श्री राम। ये अयोध्या स्टेशन के अंदर प्लेटफॉर्म साइड का नज़ारा है, जो कि ऐसा दिखता है, पूरा कांच का, शीशे का बना हुआ। तो हम प्लेटफॉर्म से बाहर आ जाते हैं और बाहर से दिखाते हैं आपको कैसा दिखता है। लगता है थोड़ी ठंड लग गई। तो बाहर से चलने के बाद आपको दिखाते हैं, हालांकि हमको वहां से अंदर नहीं जाने दिया, उद्घाटन कर दिया था, लेकिन उद्घाटन के बाद भी अभी वहां अंदर काम चालू है, इसलिए अंदर जाने नहीं दिया। तो इनसाइड का नज़ारा हम आपको नहीं दिखा पाए, पर बाहर बाहर से जो दिखता है हम आपको दिखाते हैं। पर आप यहां पे एक चीज़ नोटिस करेंगे, भीड़ काफ़ी ज़्यादा है, भीड़ बहुत ज़्यादा है। पॉपुलरिटी अयोध्या की जो पहले से थी वो तो थी, पर अब और ज़्यादा बढ़ गई है। तो वहाँ स्टेशन से पास में ही है अयोध्या का मंदिर, ज़्यादा दूर है नहीं, आप चलकर भी पहुँच सकते हैं आसानी से। जैसा कि देख रहे हैं पब्लिक सड़कों पे गाड़ियाँ कम और पब्लिक ज़्यादा चल रही है, लोग ज़्यादा चल रहे हैं। तो ये भी एक अयोध्या का अद्भुत ही नज़ारा है। जय श्री राम के नारों के साथ रास्ते में भजन बजते हुए हर जगह स्पीकर लगा हुआ है, जहाँ आप रास्ते में जहाँ जाएंगे वहाँ राम भजन सुनते जाएंगे। यहाँ अयोध्या की सड़कों पर आप जितना दुकान देखेंगे या जो कुछ भी बना हुआ है, हर शटर पे एक कलर कोड लागू किया गया, हर शटर पे एक सनातन का चिन्ह बना दिया गया है। और जितने भी सड़क के आसपास बिल्डिंग देखेंगे या घर देखेंगे, सबको एक ही कलर में रंग दिया गया है। आप बैकग्राउंड में भजन सुनते होंगे, यहाँ पे जगह जगह पे माइक लगा हुआ है, इसलिए भजन बज रहा है। मंदिर स्टेशन से पास में है, पर हम मंदिर में नहीं जा रहे हैं अभी। हम सबसे पहले जाएंगे सरयू घाट पर, जो नया घाट बना है वो भी देखेंगे, और पुराने घाट पर वहाँ पे नहाएंगे। नहा धोकर हम लोग फ्रेश हो जाएंगे, उसके बाद मंदिर में दर्शन करने जाएंगे। यहाँ पे एक चीज़ आपको बहुत अच्छी लगेगी कि आप अगर घर से कुछ खाने के लिए लाना भूल गए हैं, आपके पास अगर खाने के लिए पैसे भी नहीं हैं, अगर है भी तो अगर आपके पास खाने के लिए कुछ उपलब्ध नहीं है, तो आप फ्री में यहाँ पे भी हर जगह भंडारे और लंगर चल रहे हैं, खा सकते हैं कुछ भी। हम चलते चलते उस स्थान पे पहुँच चुके हैं जहाँ पे सूर्य स्तंभ लगा हुआ है अयोध्या में। ये स्थान उस जगह पे है जहाँ पे लता मंगेशकर चौराहा है, जिसे मीणा चौक भी कहते हैं। ये दोनों पास में ही हैं, तो वो भी नज़ारा देखने में ही अद्भुत लगता है। आप सामने मीणा चौक देख सकते होंगे, स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी की याद में जो बनाया गया है, और उसके बगल में ही सूर्य स्तंभ भी बना हुआ है।
यहाँ पे सेल्फी पॉइंट भी बनाए गए हैं जहाँ पर लोग आकर अपनी सेल्फी लेते हैं। नज़ारा जितना सुंदर है उतना ही दिव्य दिखता है। आप लोगों को देख सकते हैं वहाँ पे सेल्फी लेने के लिए खड़े हैं। और वीड़ा चौक के जस्ट सामने इधर पुरानी सरयू घाट है जहाँ पे हम लोग नहाने वाले हैं। हम लोग नया घाट जा रहे हैं। पुराना घाट यहाँ पीछे है, उसको भी आपको दिखाएंगे थोड़ी देर में। यहाँ से नया घाट है, देखते हैं कैसा है। तो हम लोग नहाने से पहले जाएंगे नए वाले सरयू घाट को, देखेंगे कैसा है। अगर वहाँ अच्छा लगा तो वहाँ नहाएंगे, वरना पुराने ही सरयू घाट पर आकर नहाएंगे हम लोग। हम लोग पहली बार अयोध्या आए थे इसलिए हम लोग को ज़्यादा पता नहीं था, लेकिन जब हम लोग देख रहे थे तो समझ में आया कि जो पुराना घाट है एक्चुअली वो मैन मेड है, बनाया हुआ घाट है, और जो नया घाट है वो ओरिजिनल घाट है सरयू का, जहाँ से डायरेक्ट सरयू माँ की धारा बहती है। तो ये देख कर यहाँ फीलिंग तो जैसे गंगा माँ, हमारे इधर पास में माँ गंगा मैया बहती हैं, तो नज़ारा देखकर वो फीलिंग वही आ रही थी जैसे माँ गंगा के सामने खड़े हों, उनका ही घाट हो। पर ये सरयू, हम अयोध्या में हैं तो ये सरयू माँ का घाट है। तो गंगा जी वाली फीलिंग यहाँ से लेते हैं, पर यहाँ हम अब नहाएंगे नहीं, हम पुराने वाले ही घाट पर नहाएंगे जो अक्सर आप लोग देखते हैं। तो ये यहाँ का नज़ारा हम देख कर वापस से पुराने घाट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ से हम नहा धोकर फ्रेश होकर सरयू नदी से नए कपड़े पहनकर जाने वाले, सामने आपको हनुमानगढ़ी दिख रहा होगा, पर हम यहाँ लास्ट में दर्शन करेंगे। सबसे पहले हम जहाँ प्रभु श्री राम के दर्शन, उनकी छवि को देखने के लिए आए थे वहाँ पे जाएंगे, उनकी छवि निहारेंगे, उसके बाद वापस हनुमानगढ़ी दर्शन करके हमें अगर टाइम मिला तो बाकी जगहों पे घूमेंगे, या अपना आखिरी जो ट्रेन यहाँ से जाने वाली है उसे पकड़कर हम घर के लिए प्रस्थान कर जाएंगे। सड़क की उस साइड आप देख सकते हैं जो आपको दो बड़े द्वार दिख रहे हैं, ये राम मंदिर की तरफ जाने वाले मेन द्वार हैं। हम यहीं से अंदर एंटर करने वाले हैं और अपनी सामान की जो भी चेकिंग करनी होगी, अंदर बहुत सी चेकिंग हो रही है तो उसको चेकिंग करके हम ऑफिस से दर्शन के लिए लाइन में लग जाएंगे। प्रभु श्री राम के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुए इतने दिन बीत गए, उसके बाद भी भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही। आप देख ही सकते हैं यहाँ पे कितनी सारी भीड़ है, तो हमें लगता है दर्शन में ही हमें शायद प्रॉब्लम आए। जय श्री राम। तो जय श्री राम के नारों के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं।
यहाँ पे हर जगह खोया पाया केंद्र भी बनाया गया है। अगर कोई भीड़ में खो जाता है या कोई किसी के पास कोई बात करने का जरिया नहीं है और वो बिछड़ जाता है तो खोया पाया केंद्र में जाकर अपनी आवाज़ लगाकर उनसे वापस से मिल सकता है। हम मंदिर के अंदर का नज़ारा तो आपको नहीं दिखा पाएंगे, पर बाहर से जो जितना दिख रहा है आप देख सकते हैं। उसके बाद हम अपना अंदर सामान जमा करने के बाद दर्शन करके बाहर आएंगे तो वो नज़ारा आप देख सकते हैं। पर मंदिर के अंदर फ़ोन अलाउ नहीं है और कोई कैमरा अलाउ नहीं है तो हम वहाँ पे कोई शूटिंग नहीं कर सकते। यहाँ तक हमारा साथ देने के लिए, वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमें पॉसिबल हुआ फ्यूचर में कभी तो हम आपको अंदर का नज़ारा और या बाहर का जो अच्छे से नज़ारा है जरूर दिखाएंगे। जय जय श्री राम दोस्तों, धन्यवाद। 10-10 सेकंड का ब्लॉग रहा था। अरे अरे हो वीडियो चालू नहीं देरी फिर से।